हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपेयरिंग कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आपके पास ओनली 3 मंथ बचे हुए हैं। कितने मंथ दोस्तों? 3 मंथ बचे हुए हैं और इन्हीं बचे हुए 3 मंथ में आपको 90+ स्कोर करना है। तो बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है दोस्तों कि हम किस प्रकार से पढ़ें और क्या क्या टिप्स एंड ट्रिक लगाएं जिससे हम इन्हीं 3 मंथों में 90+ पार कर सकें। दोस्तों, इंसान यदि अपना एक गोल बना ले, लक्ष्य बना ले, तो उस कार्य को कर सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। यदि आपने भी आज से ही गोल बना लिया, लक्ष्य बना लिया कि मुझे 90+ क्रॉस करना है, या फिर आप 80+ पाना है परसेंट, 90% पाना है, या फिर 85% पाना है, कितने परसेंट पाना है, सबसे पहले आपको ये अपना एक लक्ष्य बना लेना है। इन्हीं बचे हुए 90 दिनों में, कितने दिनों में दोस्तों, इन्हीं बचे हुए 90 दिनों में मुझे 90+ मार्क कैसे पाना है प्रत्येक सब्जेक्ट में। तो उसके लिए मैं यहाँ से आपको कुछ ट्रिक्स एंड ट्रिकें बताऊँगा और टिप्सें बताऊँगा। जो एक टिप्स लास्ट में, जितनी वीडियो लास्ट होती जाएगी उतनी ट्रिकें महत्वपूर्ण होती जाएंगी। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए एक भी मिनट स्किप मत करिएगा और देखते रहिए। मैं यहाँ पे आपको एक एक टिप्स एंड ट्रिक एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए आपने लक्ष्य बना लिया, यहाँ पर आपने लक्ष्य निश्चित कर लिया कि मुझे 85+ चाहिए इन्हीं 90 दिनों में। इन्हीं जो बचे हुए 90 दिन हैं, इन्हीं 90 दिनों में मुझे 85+ चाहिए। आपने एक लक्ष्य बना लिया, तो सबसे पहली जो टिप्स एंड ट्रिक है आपको ध्यान रखना है, किसी से झगड़ा नहीं करना, या किसी बात पर बहस नहीं करना, गुस्सा नहीं होना, किसी से भी आपको कुछ भी कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। ओनली आप अपने स्टडी पर फोकस करना है। यदि आप किसी से मान लीजिए गुस्सा हो जाते हैं, या फिर लड़ाई कर लेते हैं, या फिर आप उससे बहस कर लेते हैं, तो जो आपका दिमाग है उसी पे घूमता रहेगा, उसी पे घूमता रहेगा, और आपका जो दिन होगा वो पूरा का पूरा दिन बर्बाद हो जाएगा। आप और स्टडी नहीं कर पाएंगे, जो भी स्टडी करेंगे वो भी आप भुला सकते हैं। इसलिए किसी से झगड़े ना, और ये समय जो चल रहा है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चल रहा है, इसलिए किसी से झगड़े ना। दूसरी बात दोस्तों क्या है, दूसरी टिप्स एंड ट्रिक ये है कि जैसे कि दोस्तों आपके मोबाइल में FB है, WhatsApp है, TikTok है, इसके बाद आपके पास बीगो है, कोई गेम है, या PUBG है, जो भी है दोस्तों कोई गेम है, आप उनसे मनोरंजन करते हैं, तो उनको सीधे सीधे अपने फोन से अनइंस्टॉल कर दीजिए। क्या कर दीजिए दोस्तों? अपने फोन से अनइंस्टॉल कर दीजिए। दूसरी गलती है दोस्तों, बता रहा हूँ, अपने फोन से इनको क्या कर देना है, अनइंस्टॉल कर देना है। पहली टिप्स एंड ट्रिक क्या है, आपको किसी से झगड़ा नहीं करना। लास्ट में ऐसी ऐसी टिप्स बताऊंगा जिससे आपको खुद इस वीडियो को देखने के बाद यकीन हो जाएगा कि मैं अब 90+ स्कोर कर सकता हूँ। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए बिना स्किप किए। तो इन्हीं सब चीजों को क्या कर देना है, अनइंस्टॉल कर देना है, तभी आप सक्सेस हो पाओगे। यदि आप दोस्तों इन सबको डिलीट कर देने के बाद अपने मोबाइल पर बात करते रहते हैं, मान लीजिए आपके पास कोई गर्लफ्रेंड है या फिर आपके पास कोई बॉयफ्रेंड है, आप उन्हीं में लगे रहते हैं, तो इन दोनों कामों को दोस्तों सिर्फ 3 मंथ के लिए छोड़ दीजिए। क्योंकि यदि आप दोस्तों फेल हो जाते हैं, मान लीजिए बोर्ड एग्जाम पे आप मेहनत नहीं करते और फेल हो जाते हैं, यदि आप फेल हो जाएंगे तो किसका नुकसान होगा दोस्तों? आपका नुकसान होगा। आप फिर से इंटर के पेपर देंगे, हाई स्कूल के पेपर देंगे, जो भी आपकी क्लास है, यदि आप 10th से हैं तो भी ठीक है, 12th से हैं तो भी ठीक है, जो भी आपका भी मान लीजिए समय है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसलिए इन सभी बातों को 3 महीने के लिए बिल्कुल भूल जाएंगे। इतनी बात समझ में आ गई। आगे अपनी मोस्ट टिक्स एंड टिप्स की ओर चलता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने जो नेक्स्ट टिप्स एंड ट्रिक है, बहुत सारे बच्चे, सभी बच्चों में से मैं 100 में जो 90 बच्चे हैं वो क्या करते हैं वो मैं बता देता हूँ। सारा जो उनका पूरा टाइम है वो PCM में लगा देते हैं। कितने में लगा देते हैं? PCM में। कितने नंबर का आना है दोस्तों? 300 मार्क का आना है। कितने नंबर का? 300 मार्क। और बचे हुए जो समय हिंदी इंग्लिश, इन पर कोई भी फोकस नहीं कर रहा है, जबकि ये भी 200 नंबर के हैं। कितने नंबर के हैं? 200 नंबर के हैं। अब होता क्या है, यदि आपको मैथ ज़्यादा आती है, क्या आती है दोस्तों? मैथ आपको ज़्यादा आती है, तो आप जब भी पढ़ने के लिए बैठोगे 2 घंटे 3 घंटे तो आप मैथ लगाएंगे। इधर भी आपने मैथ लगाया, फिर आप पढ़ने को बैठे फिजिक्स लेके, आपका फिजिक्स में मन नहीं लगा, फिर आपने मैथ उठा लिया। मतलब आपका इंटरेस्ट जो है मैथ में ज्यादा है, तो आपने मैथ ही पढ़ना स्टार्ट किया, तो फिर मैथ ही मैथ पढ़ते रहते, या फिर आपका फिजिक्स में ज्यादा इंटरेस्ट है तो फिजिक्स ही पढ़ते रहते हो, केमिस्ट्री में ज्यादा इंटरेस्ट है तो केमिस्ट्री, अगर तीनों में ज्यादा इंटरेस्ट है तो आप सारा जो पूरा का पूरा समय है वो PCM में बिता देते हो, और हिंदी और इंग्लिश की और एक भी ध्यान नहीं देते हो। तो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों कि आप जो स्कूल है आपका, आप अपने कॉलेज ये, अगर आपके कॉलेज में ज्यादा फायदा ना हो रहा हो तो वहां क्या करिए, आप अपने दो दिन गोला मारिए। क्या करिए? 2 दिन गोला मारिए, शनिवार
एक शनिवार जरूर गोला मार दीजिए, अगर आपको वहां से ज्यादा बेनिफिट नहीं हो रहा तो आप शनिवार गोला मार दीजिए, और एक दिन किसी भी दिन गोला मार दीजिए। तो शनिवार और संडे, शनिवार क्या होगा दोस्तों, और संडे हो जाएगा। तो जब संडे और शनिवार क्या होगा, आप बम्पर रिवीजन कर देंगे। क्या कर लेंगे? बम्पर रिवीजन कर लेंगे, क्योंकि आपके पास ये 2 दिन बचेंगे और ये 2 दिन बेनिफिशियल हो जाएंगे आपके लिए। तो ये पूरा का पूरा जितना हफ्ते में आप तैयार करेंगे वो रिवीजन हो जाएगा। सबसे पहले बता दूं आपको, 30 मिनट, कम से कम 30 मिनट डेली और 1 घंटे इंग्लिश, इन दोनों सब्जेक्टों में 1.5 घंटे आपको समय देना ही देना है, और इनमें 2-2 घंटे, कितना, 2-2 घंटे इनमें समय देना ही देना है, 2-2 आवर्स सब में समय देना है। क्योंकि आप इन पर यदि इन तीनों को मान लीजिए तैयार किया, जितना भी जो भी आपने तैयार किया पूरे दिनों पर हफ्ते भर में, आपको क्या करना है, सैटरडे शनिवार और संडे के दिन इन जितने भी सबको तैयार किया है आपको उसी शेड्यूल से आपको पूरा रिवीजन कर डालना है। क्या कर डालना है दोस्तों, रिवीजन कर डालना। ध्यान रहे शॉर्ट नोट्स, मतलब कि जो आप इंपॉर्टेंट पढ़े हैं, क्योंकि अब आप एक तरफ से तो पढ़ नहीं सकते, तो जो भी आप इंपॉर्टेंट पढ़े हैं उसका आपको नोट्स जरूर बनाना है। क्या बनाना है दोस्तों, नोट्स जरूर बनाना है, शॉर्ट नोट्स बना लेंगे। यदि आपको नहीं पता कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैंने एक सीरीज लगाई है जिस पर मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूं कि यही पूछे जाएंगे और वही पूछे जाएंगे, तो उनको आप जरूर तैयार करके जाइए। फिर भी यदि आपको और जरूरी है ज्यादा, तो आप कोई क्वेश्चन बैंक खरीद लीजिए, उस पर देखिए सन पड़े रहते हैं, 2017-18 जो जितने भी जिसमें सन ज्यादा पड़े हों वो आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाएगा। तो उस क्वेश्चन को वहां से सिर्फ क्वेश्चन देखो, इसके बाद यूट्यूब पर उसी क्वेश्चन को सर्च करो। यदि आप ट्रिक से उस क्वेश्चन को पाना चाहते हो कि जीवन भर बोले, तो उस पर 22 सक्सेस नॉलेज लगाकर एक बार मेरा वीडियो जरूर देख लो। यदि आप मेरा वीडियो देख लेते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप पेपर तक तो भूल ही नहीं सकते, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। तो ये थी मेरी दूसरी टिप्स जो कि आपको मैंने बताई कि यहाँ से आपको हिंदी एंड इंग्लिश पर बेहतरीन इतना टाइम देना है, और उनका शनिवार और संडे को क्या करना है, रिवीजन करना है। इतना यदि आप कर लेते हैं तो भी दोस्तों आपका 2-2 घंटे इनको पढ़ लेते हैं, जितने मैंने ट्रिकें बताई सब कुछ आपको करना है। 30 मिनट इसको समय दे देते हैं, 1 घंटे इसको, 2-2 घंटे इनको दे देते हैं, और सारा का सारा शनिवार और संडे में पूरा रिवीजन कर डालते हैं, हफ्ते भर का सिस्टम। और एक दिन जो नहीं जाते, मान लीजिए दोस्तों एक दिन और मैंने आपको है कि आप एक दिन और नहीं जाएंगे, तो आप कितने दिन, 3 दिन छुट्टी हो गई, तो 2 दिन में तो आपने जो सारा रिवीजन था उसको किया, 1 दिन में आपको क्या करना है, 1 दिन जो बचा हुआ दिन है उसमें आपको ये करना है। मान लीजिए आपको 5 चैप्टर तैयार हुए, 5 चैप्टर पूरे, तो सभी 5 चैप्टरों को सरसरी निगाह से देखना है। मान लीजिए फिजिक्स पर 5 चैप्टर तैयार हुए, केमिस्ट्री पर 5, मतलब जितने भी चैप्टर तैयार हुए उस दिन आपको सरसरी निगाह से देखना है, और सारे टॉपिक को इतना समय अवश्य देना है। मैं टाइम टेबल का फिर वीडियो बनाना चाहता हूं यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए, मेरे पास कमेंट आया था यूपी बोर्ड के बच्चों का शायद 9:30 से स्कूल रहता है, इसलिए मुझे स्कूल टाइम सबका पता नहीं है, तो मैं स्कूल टाइम यूपी बोर्ड वालों का पता है, तो मैं यूपी बोर्ड के लिए एक वीडियो पर्सनल टाइम टेबल के लिए बताऊंगा। आते हैं नेक्स्ट टिप्स की ओर। तो नेक्स्ट टिप्स मेरी जो थर्ड टिप्स है वो क्या है दोस्तों, गौर से समझिएगा इस टिप्स को, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो 5 ईयर के क्या दोस्तों, इसमें 5, मान लीजिए आपकी आपका जो कोर्स है उसे आपने पूरा कंप्लीट कर लिया, तो आपको 5 ईयर के जो प्रैक्टिस पेपर है उनको जरूर सॉल्व करना है। क्या करना है दोस्तों, प्रैक्टिस पेपर जो है उनको जरूर से जरूर सॉल्व करना है। ये आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है, मैंने आपको बताया ये टिप्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको जरूर फॉलो करिएगा। मैं एक बात निश्चित बता देता हूँ कि आपको 3 दिन स्कूल से 3 दिन मिल जाते हैं, तो आप 3 दिन क्या करेंगे, इन 2 डेजों में आप बम्पर तैयारी करेंगे। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, इन 2 डेजों में क्या करेंगे, आप बम्पर तैयारी करेंगे, और 1 दिन जो ये होगा इस पर आप रिविजन करेंगे भयंकर तरीके से। हफ्ते भर का रिविजन 1 दिन में आप कर लेंगे, और जो पूरा सारा जितना भी तैयार होगा आपको शनिवार और इतवार में आप रिविजन 2 दिन में कर लेंगे। तो उम्मीद करूंगा कि ये सारा कुछ प्रोसेस समझ में। और हाँ, चौथा टिप्स है दोस्तों, आप अपने खाना पर विशेष ध्यान रखें। क्या रखें दोस्तों, अपने खाना पर विशेष ध्यान रखें, ताजा भोजन करें, इसलिए स्वस्थ रहेंगे। क्योंकि यदि आप मान लीजिए 25 दिनों के लिए बीमार हो गए, 15 दिनों के लिए बीमार हो गए, 10 दिनों के लिए आप बीमार हो गए, तो जो आपने पढ़ा था वो क्या हो गया, भूल गया। क्या हो गया, भूल गया, या फिर भूल गए, याद है, हल्का फुल्का याद भी है आप, इसलिए खाना अच्छा खाते हैं तो बीमार नहीं होंगे, तो आपको भूलने की आवश्यकता नहीं होगी, और जो तैयार करने वाले थे उसका भी यहाँ पर लॉस हो सकता है, इसलिए यहाँ पर इसका जरूर ध्यान दें।
और अपने मोबाइल पे ज़्यादा समय ना दें। बस दोस्तों यही कुछ टिप्स एंड ट्रिक थी, इन्हें फॉलो करते हैं आप। दो दो घंटे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और 1 घंटे इंग्लिश और 30 मिनट हिंदी पढ़ते हैं, और अब इन सभी टिप्स एंड ट्रिक के साथ फॉलो रहते हैं। अपने दोस्तों से मिलने नहीं जाते, पार्टी मनाने नहीं जाते। इसके बाद यदि आपको आपको क्या दिक्कत है यार, किसकी कमी है, जो भी आपका गाइडेंस होता है हम देते हैं, गाइडेंस सारा कुछ हम देते हैं। आपकी जो तैयारी है, आपकी तैयारी अपना समय बर्बाद करके, अपने को टाइम ना दे करके, अपना खाना ना खा सक करके मैं आपके लिए आपकी वीडियो बनाता हूँ, आपकी तैयारी करवाता हूँ। हमारा काम है यार गाइडेंस करना, तो हम आपको गाइडेंस करते हैं। आपके लिए एक तरफ से प्लेलिस्ट बना दी है मैंने कि ये फिजिक्स क्लास 12 चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर सेकंड, जो नाम है दे दिया, सारी वीडियो जो उस पर डाल दी, ताकि आपको वीडियो ढूंढने में दिक्कत ना आए। सिर्फ आप सक्सेस नॉलेज सर्च करें और आपको वीडियो देखने को मिल जाए। यदि आप एक बार वीडियो देखें तो आपको जीवन भर ना भूले, मैंने ऐसे आपको पढ़ाया, आपके मम्मी पापा ने आपको अच्छा पैसा दिया, आप अच्छे पढ़ने के लिए पैसे दिए, सब कुछ किया, आपको अच्छा खाना बना के दिया टाइम से, अब किस लिए बैठे हो यार। आप तैयारी नहीं किया तो कभी नहीं कर पाओगे, इंटर में फेल हो जाओगे तो जिंदगी में यार दोस्त कुछ नहीं कर सकते। इसलिए आप मेहनत करो, मेहनत आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क करो, यानी कि मेरे कहने का मतलब टिप्स एंड ट्रिक जरूर लगाओ। किसी भी चीज को याद करो, उसको तर्क से याद करो, यानी कि उसको रटना शुरू कर दो। एक पेज का मान लो किसी ने लिखा दिया, उसको रटना शुरू कर दो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना यार, इसीलिए आपके मार्क नहीं आते हैं। यदि आप एक तरफ से रटना शुरू करते हैं, रटने से कभी मार्क नहीं आते हैं। जो भी चीज देखो वो समझो, और हाँ ऑनलाइन क्लासेस लेने की कोशिश करो। जैसे मैं यहाँ पे आपको फिजिक्स की तैयारी बंपर करवा रहा हूँ, केमिस्ट्री की तैयारी बंपर करवा रहा हूँ, इसके बाद मैथ की मैं तैयारी आपको कायदे से नहीं करवा रहा हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री, इसके बाद हिंदी, हिंदी की मैं पूरी तरह से आपको तैयारी करवा रहा हूँ, किसके, हिंदी की मैं पूरी तरह से अब आपकी तैयारी करवाऊंगा। पूरी तरह से लाइव आना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब मैं हिंदी के क्लासेस लगा दूंगा और आप लाइव नहीं आएंगे, तो ऐसा क्यों करते हो यार, ऐसा मत करो। आप अपने को धोखा ना दो, परंतु आप लक्ष्य जरूर बनाइएगा और अपना ख्याल रखिएगा। मैं आपकी आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ, और हाँ ध्यान रखिएगा, फिजिक्स के लिए 2 घंटे, केमिस्ट्री के लिए 2 घंटे, और इसके बाद जो आपकी मैथ है उसके लिए भी आप 2 घंटे देंगे, हिंदी के लिए 30 मिनट देंगे और इंग्लिश के लिए 1 घंटे देंगे। इस पूरी वीडियो का मेन मकसद यही था। आप व्हाट्सअप, फेसबुक, FB सारे कुछ मनोरंजन की चीज़ें अपने फ़ोन से डिलीट कर देंगे। इसके बाद अपने खाने को बहुत ध्यान रखेंगे, 5 ईयर के जो आपके क्वेश्चन पेपर होंगे उनको सॉल्व करेंगे, और अच्छे से अपना 3 दिन स्कूल न 2 दिन स्कूल न जाएंगे और 1 दिन संडे का मिला करके पूरा रिवीजन करते रहेंगे। तो बस दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।